में रहा है और एक बार फिर विवादों में घिरता नजर आ रहा है। दरअसल विजयनगर थाना क्षेत्र का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में देर रात कुछ युवक आपस में मारपीट करते दिख रहे हैं, वहीं वीडियो में एक लड़की भी नजर आ रही है। इंदौर के विजयनगर इलाके के मॉल में लड़की के साथ कुछ युवकों द्वारा छेड़छाड़ करने और फिर सड़क पर आकर मारपीट करने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जहां पर घटनाक्रम पर इलाके के डीसीपी अभिषेक आनंद ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि वीडियो में नजर आ रहे युवकों को राउंड अप कर लिया गया है व मामले में 354 की कार्रवाई की जा रही है। वायरल वीडियो को लेकर आवेदन मिलने के बाद 3 लोगों को राउंड अप किया गया है और पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। विजयनगर थाना क्षेत्र में एक वीडियो पुलिस के संज्ञान में आया, जिसमें एक युवती है उसके साथ जो दो पक्ष हैं आपस में मारपीट हो रही है, जिसमें एक युवती भी है उस मारपीट में। तो उसके पुलिस के पास जैसे ही आवेदन प्राप्त हुआ और उसके बाद फिर पुलिस ने इस पे आवेदन के बेसिस पर उस पे 354 व अन्य धाराएँ IPC के तहत कायमी की है। इसमें जो 3 आरोपी हैं जो वीडियो में पाए गए हैं मारपीट में, उन 3 को भी राउंड अप कर लिया गया है। इसके इनके खिलाफ जो है वैधानिक कार्रवाई वो की जा रही है। जबलपुर में बढ़ते क्राइम और बेखौफ बदमाशों का उत्पात एक बार फिर देखने को मिला। दरअसल इस बार मोटरसाइकिल सवार कुछ बदमाशों द्वारा गणेश पंडाल में बैठे एक युवक पर धनाधन फायरिंग करने का मामला सामने आया है। मामला जबलपुर के गोहलपुर थाना अंतर्गत बधेयापुरा क्षेत्र का है, जहां आधी रात को मोटरसाइकिल पर सवार 6 बदमाशों ने गणेश पंडाल में बैठे 24 वर्षीय युवक रविंद्र गुप्ता निवासी ग्रीन सिटी पर दनादन फायरिंग कर दी, जिसमें युवक घायल हो गया, जिसे तत्काल उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। फायरिंग के मौके पर अफरा तफरी एवं भगदड़ की स्थिति मच गई। वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और अज्ञात आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। फिलहाल गोली किसने और किन कारणों को लेकर चलाई है, इसका अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। पुलिस क्षेत्र में लगे CCTV फुटेज खंगाल रही है, ताकि आरोपियों की शिनाख्त हो सके। रावत टेंट के बाजू में क्या घटना रहती सर? ये 2:48 पे 3 बाइक आई, उसमें 6 लोग थे, सब नकाबपोश थे, किसी का चेहरा नहीं दिख रहा था। उन लोगों ने सूजी मोहल्ला साइड से आए हैं, उनने यहाँ लगातार फायरिंग की है, 2-3 राउंड चले हैं उसमें, और उसके बाद समझ लो वो यहाँ से चले गए मेन रोड से वो दमोना के साइड गए हैं। हाँ, ये बधैयापुरा है, थाना गोवालपुर क्षेत्र में। वहाँ करीबन रात को 2:30-3 बजे के बीच में जो गणेश पंडाल था उसके पास कुछ लोग बैठे हुए थे, वहाँ पर मोटरसाइकिल सवार अज्ञात लोग आए, उन्होंने फायर किए, जो एक रविंद्र गुप्ता लड़का उसके पीठ में लगाए, इलाज है, FIR हो गई है, विवेचना जारी है। वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर 28 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे पटवारियों द्वारा आज प्रसिद्ध देवी श्री लाल बाई फूल बाई माताजी मंदिर पर एक तिरंगा बाइक रैली निकालकर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सद्बुद्धि की प्रार्थना को लेकर माताजी को ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर पटवारी संघ के जिला कार्यकारी अध्यक्ष सुनील पटेल ने बताया कि वेतनमान की मांग को लेकर विगत 28 दिनों से खरगोन जिले के सभी पटवारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। हमारी मांग करीब 25 वर्षों से अधूरी है, लेकिन इस पर कोई गौर ही नहीं कर रहा है, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा सनावद आगमन पर पटवारियों की वेतन विसंगतियों को लेकर जल्दी दूर करने का आश्वासन दिया गया था। वहीं सेगांव के पहले हमारे द्वारा खरगोन नवग्रह मंदिर ऊन महालक्ष्मी मंदिर में भी मुख्यमंत्री की सद्बुद्धि को लेकर ज्ञापन सौंपा गया था। मुख्यमंत्री महोदय द्वारा अभी भी वर्तमान में 30 अगस्त का आश्वासन दिया गया था कि 30 अगस्त तक मैं आप लोगों की मांगे में मानूंगा और कुछ भी आपको दूंगा, राहत दूंगा, लेकिन उसके बावजूद भी आज दिनांक तक हमारे पटवारी सवर्ग को कोई राहत नहीं दी है, जबकि अन्य सवर्ग को मुख्यमंत्री महोदय द्वारा समय समय पर बढ़ोतरा दिया गया, जिससे रुष्ट होकर सारे पटवारी जगत में रोष है। ऐसी स्थिति में हम लोग हड़ताल पे, आज हड़ताल का 28वां दिन। सेगांव से संजय जायसवाल की रिपोर्ट। कल हुए भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक दिवसीय मुकाबले में शानदार जीत हासिल करते हुए भारत टीम ने होलकर स्टेडियम में अपने अपराजितता का सिलसिला जारी रखा। टॉस जीतने के बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम ने भारतीय टीम को बल्लेबाजी का न्योता दिया। भारतीय टीम में शुभम गिल, श्रेयस अय्यर की शतकीय पारी और सूर्य कुमार यादव की तूफानी बल्लेबाजी के दम पर
399 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया, जिसका पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम ने शुरू में ही अपने विकेट खो दिए। वहीं मैदान में बारिश हो जाने के कारण मैच को कुछ समय के लिए रोकना पड़ा। दोबारा शुरू हुए मैच में ऑस्ट्रेलिया के सामने डकवर्थ लुईस नियम के अनुसार 33 ओवर में 317 रन बनाने का लक्ष्य रखा गया, लेकिन अश्विन और जडेजा की बेहतरीन गेंदबाजी की बदौलत ऑस्ट्रेलिया टीम 217 रन पर ही ऑल आउट हो गई। वहीं इंदौर में हुए इस मुकाबले में दर्शकों का उत्साह भी काफी देखने को मिला। भारतीय टीम को सपोर्ट करने के लिए कई लोग हाथों में झंडा और भारतीय टीम की जर्सी पहनकर मैदान पर पहुंचे। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने बेटे व इंदौर के विधायक आकाश विजय वर्गीय और मंत्री तुलसीराम सिलावट के साथ मैच का आनंद लिया।